हमारे बारे में जो हमारे गुरु जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने ये कहा कि तुमको हमारे कहने पर चलना चाहिए। सब जितने भी हमारे मिलने वाले थे, घर वाले थे, जितने भी कुटुंबी थे, सब नाराज़ हो गए। एक को एक ने कहा बड़ा बेअकल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, तो और ये किसी किसने कहा है, ने कहा हमारे पूर्व जन्मों के गुरु आए हैं, उन्होंने कहा अरे कोई सपना देखा है, कोई पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, किवाड़ में बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया। पर जिस आदमी ने हमसे कहा था, हमारे फ़ायदे के लिए कहा था कि नुकसान के लिए कहा था, फ़ायदे के लिए कहा था, जो जो जब आए थे 60 वर्ष पहले की वो जब घटना को मैं याद करता हूँ और इस समय उसको अंदाज़ लगाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि नुकसान की बात नहीं की थी उन्होंने, फायदे की बात कही थी। जहाँ इस समय हम आज है उसका और जिस समय 15 वर्ष की उम्र के थे उस बच्चे का और इस समय का हमारा स्तर, दोनों को आप मिला के देखिए। हमको सलाह मुनासिब दी गई थी कि गलत दी गई थी? नहीं, गलत नहीं दी गई थी, सलाह बहुत मुनासिब दी गई थी और मुनासिब सलाह से हमारा फ़ायदा हुआ। उस समय मालूम पड़ता था नुकसान हो रहा है, 24 वर्ष तक खाना नहीं खाना पड़ेगा, जो कि रोटी पर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई बंद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कितनी बातें बता दी। लेकिन उस समय हमारा लोगों को मालूम पड़ता था कि नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में वो नुकसान की बात नहीं थी, नफे की बात थी। आज हम आपको एक इसी तरह की बात बताने को हैं जो आपको शायद ये मालूम पड़ेगी कि हमको नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन हम आपको यकीन रखिए कि हम नुकसान की बात नहीं बता रहे हैं, आपको नफे की बात बता रहे हैं। उसमें आपका नफा ही नफा है, नुकसान हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे ऊपर यकीन करते हों तो आप ये मान लीजिए कि हमारे फायदे के लिए कहा जा रहा है, नुकसान के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्या क्या कह रहे हैं आप? हम यूँ कह रहे हैं कि आपकी लंबी वाली ज़िंदगी है, 40 साल की होगी, 50 की होगी, 100 की होगी, जो भी हो, उसमें से अगर आप 1 साल हमारे लिए निकाल दें तो इसमें नुकसान हुआ ना? हाँ साहब, नुकसान हुआ। अगर हम 100 रुपये महीने कमाते हैं तो 1200 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, हमारा समय चला गया, हमारी खेती में नुकसान हो गया, हमारी दुकान में नुकसान हो गया, हमारा पुराना नुकसान हो गया। और आप सलाह लीजिए किसी से, अपनी माँ से पूछिए, धर्मपत्नी से पूछिए, भाई से पूछिए, भतीजे से पूछिए, साले से पूछिए, भनोई से पूछिए, सब ये कहेंगे ये बेअकली की बात है और ये बेवकूफ़ी की बात है, इसमें सिवाय नुकसान किए क्या और क्या फ़ायदा है तुम्हारा, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे तो सैकड़ों बाबा जी करते हैं, सैकड़ों पंडित करते हैं कि किसी ने लिख दिया, छाप दिया, तुम मरा दिए, उन्होंने कहा तुम चल दिए, तुम्हारी समझ में नहीं आता, नुकसान की बात है कि फ़ायदे की? बताइए, हम आपको फ़ायदे की बात बता रहे हैं। क्या फ़ायदे की बात बता रहे हैं? हम ये फ़ायदे की बात बता रहे हैं कि आप सो रहे हैं और आपको नींद आ गई है और आप खुमारी में हैं और आप अपनी सही स्थिति को जान लें तो आपको बड़ा मज़ा है। आप कौन हैं जानते हैं? हमारा नाम साहब राम गोपाल है, मोहन लाल है, गुलाब चंद नहीं, आप न राम गोपाल है न गुलाब चंद हैं, आप वो है जो कि हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से आपको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया है। जिन लोगों के पास पुराने जन्मों के संस्कार जमा थे और जो जो इस योग्य थे उनको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और बड़ी मुश्किल से जमा किया है। सारी ज़िंदगी में हमारी एक ही सफलता है कि हमने संस्कारवान व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया है, दूसरे लोगों ने संस्कारवान व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर पाए। बहुत सी कमेटियाँ हैं, संस्थाएँ हैं, अमुक है, तमुक है, व्यक्ति तो किसी और के पास भी होंगे, ये तो मैं नहीं कहता कि औरों के पास कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे पास है, पर हमारे पास सही आदमी है और हमने ढूंढ के निकाले, बड़ी मेहनत की है, पानी में डुबकी लगाई है, डुबकी लगा करके मोतियों के तरीके से आपको हमने ढूंढ के निकाला है और आप अपने को समझते ही नहीं। आप तो अपने को किसान समझते हैं, दुकानदार समझते हैं, खेतिहर समझते हैं, विद्यार्थी समझते हैं, नौकर समझते हैं, यानी क्या समझते हैं? हम आपको समझते हैं कि आप बड़े कीमती आदमी हैं और बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं और ऐसे कीमती और ऐसे महत्वपूर्ण आदमी हैं कि आप अपने महत्व का और आप अपनी कीमत का ठीक इस्तेमाल करने में समर्थ हो सके तो आपके लिए भी मज़ा आ जाए और हमारे और हमें भी मज़ा आ जाए, दोनों के दोनों ही धन्य हो जाए और दोनों के दोनों ही। ये आज का हमारा प्रवचन है, इसको आप सुनकर के ये कहें कि हमको किसी आदमी ने बहुत ही नेक सलाह दी थी, अगर हमने इसको सलाह को न माना होता तो हम बहुत घाटे में रह रहे होते हैं।